तो आज मैं तुम लोग तीन ऐसे मोड्स देने वाला हूँ जिससे तुम लोग अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में इस टाइप के रिप्लेस इजीली बना सकते हो। और हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग भी काफी तगड़े तगड़े रिप्लेस इजीली बना सकते हो। और बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनका स्किन ही इम्पोर्ट नहीं होता है, तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को उसका भी सलूशन देने वाला हूँ। तो यह बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो माइनक्राफ्ट में आ जाने के बाद तुम लोगों को जो भी वर्ल्ड में रिप्ले बनाना है उसका सारे एक्सपेरिमेंटल ऑन कर देना है, जिससे तुम्हारा एक कॉपी वर्ल्ड बन जाएगा और उस कॉपी वर्ल्ड में तुम लोग अपना रिप्ले मोड लगाकर प्ले कर देना। ओके, तो वर्ल्ड में आ जाने के बाद तुम लोगों को एक क्लॉक ले लेना है और एक एनविल ले लेना है, और उस क्लॉक का तुम लोगों का नाम रिप्ले रख देना है और सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, देख के रखना, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा ये रिप्ले मोड। फिर नाम रख लेने के बाद इस पे जैसे ही राइट क्लिक करोगे या फिर लॉन्ग प्रेस करोगे ये रिकॉर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। इसको अभी हम लोग कट करते हैं और इधर से ले लेते हैं थोड़े से ब्लॉक। अब हम लोग ये वाला रिप्ले स्टार्ट कर देते हैं। पहले लॉन्ग प्रेस करो और रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है, एंड फिर तुम लोगों को जो सा भी बिल्ड बनाना है उसको बिल्ड कर देना है। तो मैं फटाफट से कर देता हूँ बिल्ड। और अगर तुम्हारा बिल्ड करते करते सामान खत्म हो जाए तो सिंपली तुम लोगों को लॉन्ग प्रेस करके इधर पॉज कर देना है, एंड फिर तुम लोगों को जो भी सामान लेना है ले लेना है सामान को। मैं तो क्रिएटिव से ले रहा हूँ, एंड फिर इधर से रिज्यूम कर देना है वापस से, एंड फिर वापस से तुम लोग अपना बिल्ड करना शुरू कर देना। ये रिप्ले वापस से स्टार्ट हो गया है। एंड जैसे ही तुम्हारा बिल्ड कंप्लीट हो जाए तुम लोगों को वापस एक क्लॉक को लेना है और लॉन्ग प्रेस करके इधर स्टॉप कर देना है, एंड फिर तुम्हारा बिल्ड सारा गायब हो जाएगा जितना भी तुम लोगों ने बनाया है। एंड तुम्हारा जैसे कि बिल्ड करते करते रात हो गया तो तुम लोग दिन कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो दिन ही रहेगा रिकॉर्ड करते टाइम। एनीवेज, क्लॉक को वापस से तुम लोगों को लेके उस पर लॉन्ग प्रेस करना है और इधर सबमिट पे क्लिक कर देना है, जिससे तुम्हारा इस टाइप से कैरेक्टर आ जाएगा। और हाँ, इस कैरेक्टर के ऊपर तुम्हारा नाम भी आ सकता है, तो सिंपली सेटिंग में जाकर इन गेम प्लेयर नेम्स को ऑफ कर देना है जिससे तुम्हारा ये नाम हट जाएगा। और हाँ, ये क्रीपर वगैरह भी फट जाते हैं ये कैरेक्टर को देख के, तो सिंपली तुम लोगों को पीसफुल मोड पे कर देना है। और मेरा तो गड्ढा नहीं हुआ, तुम्हारा गड्ढा भी हो सकता है, इसीलिए पहले से पीसफुल करके रहना। एंड उसके बाद तुम लोगों को वापस से लॉन्ग प्रेस करना है और फिर इधर से तुम लोगों को की फ्रेम देना शुरू करना है, जैसे मैंने यहाँ पे यस किया, एंड फिर इसको 5 फ्रेम पे लेके जाके वापस से सबमिट पे क्लिक करके वापस से लॉन्ग प्रेस करके इधर से यस कर लेंगे, जिससे हम लोगों का सेकेंड की फ्रेम भी लग जाएगा। एंड फिर वापस से सेम चीज करेंगे, इस बार कुछ ज्यादा ही दूर लग गया, इसी के लिए नो करके हम लोग वापस से इसको 10 फ्रेम पे करके सबमिट कर देते हैं, एंड फिर सही पोजिशन लेके इसको की फ्रेम लगा देते हैं। और इसी टाइप से तुम लोगों को पूरा लगा देना है, मैं भी कर लेता हूँ फटाफट से। एंड फिर पूरा की फ्रेम लग जाने के बाद हम लोगों का सारा की फ्रेम दिखने लग जाएगा, ये ग्रीन ग्रीन डॉट। एंड इसके बाद हम लोगों को क्लॉक को अपने हाथ में ले लेना है और फिर सेटिंग में जाकर वीडियो सेटिंग में जाएंगे और अपने हाइड हैंड और हाइड चूड़ी करके वापस आ जाएंगे, फिर लॉन्ग प्रेस करना है, एंड फिर इस टाइप से हम लोगों का न्यू सेटिंग खुलकर आ जाएगा। इसमें तुम लोग अपने रिप्ले का सेटिंग वगैरह बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा इसमें कुछ भी छेड़छाड़ मत करो। हम लोग इजिली अपने एडिटिंग में भी रिप्ले का स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, इधर से बढ़ाओगे तो ग्लिच हो जाएगा। एनीवेज, उसके बाद हम लोग सबमिट पे क्लिक कर देंगे और फिर यस पे क्लिक कर देंगे, फिर हम लोगों का रिप्ले स्टार्ट हो जाएगा, जो कि काफी मस्त है, पूरा जावा की तरह रिप्ले है। और पॉकेट एडिशन में इस टाइप का रिप्ले तुम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वैसे ये वाला मोड 5 महीने पहले आ गया, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं। एंड फिर पूरा रिप्ले हो जाने के बाद हम लोगों का बिल्ड भी वापस आ जाएगा और हम लोगों का प्लेयर वापस से नीचे आ जाएगा। और इस रिप्ले मोड का यूज करके काफी तगड़े तगड़े तुम लोग सिनेमेटिक्स भी बना सकते हो अपनी वीडियो के लिए। ओके, अब मैं बता देता हूँ तुम लोग अपने स्किन कैसे ऐड कर सकते हो इस मोड पे। तो सिंपली तुम लोगों को ZR जीवर में चले जाना है और उस मोड का नाम MC add-on हटा के जिप कर देना है लास्ट में,
एंड फिर व्यू पे क्लिक करके रिप्ले मोड आरपी पे क्लिक करना है, एंड फिर टेक्सचर नीचे तुम लोगों को मिल जाएगा, एंड फिर टेक्सचर के बाद एंटिटी में जाना है, एंड स्टीव वाले नाम को तुमको कॉपी कर लेना है रिनेम पे क्लिक करके, सो पूरा सिलेक्ट करके इधर से कॉपी कर लेना है, एंड फिर यही नाम को तुम लोगों को अपने स्किन में पेस्ट कर देना है, एंड फिर अपने स्किन को कॉपी करना है, एंड फिर वापस से मोड पे आके तुम लोगों को वापस से टेक्सचर में और एंटिटी में जाकर यहाँ पे रिप्लेस कर देना है स्टीव वाले स्किन के साथ, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड मोड पे, और सेकेंड मोड में भी तुम लोगों को बिहेवियर पैक और रिसोर्स पैक में मोड को एक्टिव करके आ जाना है वर्ल्ड में, और दो स्टिक ले लेना है और एक एनविल। एनविल को प्लेस करके तुम लोगों को फर्स्ट स्टिक में नाम रखना है रिप्ले, और सारा स्मॉल लेटर में होना चाहिए पिछले वाले की तरह, तो यहाँ पे पूरा रिप्ले लिख के इसको कर लेंगे। और दूसरे स्टिक में हम लोग सिनेमेटिक लिख लेंगे, सिनेमेटिक्स नहीं होना चाहिए, सिनेमेटिक पूरा देख लेना है स्पेलिंग। एंड इतना हो जाने के बाद हम लोग अपना एनविल को तोड़ लेंगे, अगर नहीं भी तोड़ेंगे तो चलेगा। एनीवेज, फिर हम लोगों का फर्स्ट वाला स्टिक है जिसका नाम है रिप्ले, उससे तुम लोगों का सारा रिप्ले बन जाएगा, इतना सारा सेटिंग है और इसमें मल्टीप्लेयर का भी ऑप्शन है। एंड सेकेंड स्टिक में हम लोग सिनेमेटिक्स बना सकते हैं, मतलब 2-in-1 मोड है ये वाला, तो मस्त है, इसमें भी तुम लोगों को ढेर सारा सेटिंग मिल जाएगा। तो अभी हम लोग रिप्ले बनाते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग इधर से कर लेंगे, एंड फिर तुम लोगों को जो भी करना है हरकत या फिर बिल्ड करना है जो भी उसको कर लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे मैं फालतू की रिक्वायर रहा हूँ। एंड फिर तुम्हारा सारा बिल्ड वगैरह हो जाएगा, तो इधर तुम लोग पॉज कर सकते हो या फिर सेव कर सकते हो, मैंने सेव किया और इधर पूरा बिल्ड वगैरह गायब हो गया जो भी मैंने बनाया पिछले वाले रिप्ले की तरह। और इसमें तुम लोग प्रीव्यू का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे मैं इधर प्रीव्यू के ऊपर टैप करूंगा तो उसके बाद तुम्हारा प्रीव्यू रिप्ले स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, इस रिप्ले मोड में तुम लोग मल्टीपल बार रिप्ले रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये वाला भी ऑप्शन मस्त है इस वाले रिप्ले मोड में। और मैं आसमान क्यों, और इसमें तुम लोगों को बहुत सारा सेटिंग मिल जाएगा, जैसे ये वाला प्रीव्यू सेटिंग में तुम लोग 3-4 स्किन एक ही बार लगा सकते हो। इसमें मैंने स्किन 1 में लगा के रखा है अपना स्किन, तो इधर स्किन 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसमें तुम लोगों को कस्टम नेम ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिससे तुम लोग अपना कस्टम नेम रख सकते हो, एंड इधर प्रीव्यू तो डिफॉल्ट ही रहने देते हैं और इसको सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। एंड फिर तुम्हारा सारा सेटिंग हो जाने के बाद तुम लोगों को सिंपली स्टार्ट कैमरा सेटअप के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर तुम्हारा सारा वो वाला ऑप्शन हट जाएगा। फिर तुम लोगों को वापस से अपने स्टिक पे राइट क्लिक करना है, फिर तुम्हारा नया मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले है फ्रेम का, जो पिछले वाले रिप्ले जैसा है, एंड फिर इसमें तुम लोगों को एक और ऑप्शन मिलता है लोड फ्रेम सेकंड, इसमें तुम लोगों को सेकंड के हिसाब से फ्रेम को लोड कर सकते हो। उधर देख सकते हो 24 सेकंड का मेरा पूरा रिप्ले है। एंड उसके बाद हम लोग सिलेक्ट फ्रेम को 0 रहने देंगे और फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे, जिससे हम लोगों का पिछले रिप्ले जैसा ये आ जाएगा कैरेक्टर। एंड फिर इधर एड कैमरा पॉइंट का है, तो इधर एड कैमरा पॉइंट कर देंगे, जिससे हम लोगों का ये डॉट टाइप का आ जाएगा, ये कैमरा पॉइंट है ये वाला। एंड फिर इसी टाइप से हम लोग पिछले रिप्ले की तरह पूरा सेटअप कर लेंगे कैमरा को। एंड फिर पूरा कैमरा सेटअप हो जाने के बाद तुम लोग अपना पॉइंट वगैरह देख लेना, सब सही रहेगा, तो तुम लोग इस प्रोसेस्ड फर्दर के ऊपर क्लिक करना, एंड फिर तुम्हारा सारा बिल्ड वगैरह गायब हो जाएगा। फिर तुम लोगों को स्टिक पे वापस से राइट क्लिक करना है और इधर स्टार्ट रिप्ले पे क्लिक कर देना है, जिससे तुम लोगों का रिप्ले स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये भी उसी की तरह है, लेकिन इसमें तुम लोगों को मल्टीपल सेटिंग्स मिल जाता है, जैसे कि मल्टीप्लेयर वगैरह का, तो ये वाला रिप्ले मोड ज़्यादा बेटर है पिछले वाले से। ओके, तो अब मैं तुम लोगों को सिनेमेटिक्स बनाना सिखा देता हूँ, ये जो सेकंड स्टिक है, तो सिंपली तुम लोगों को इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इधर ऐड पोजीशन फ्रेम के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे तुम्हारा ये कैमरा ऐड हो जाएगा, ये हार्ट हार्ट जो है वही कैमरा फ्रेम है। एंड फिर सेकंड फ्रेम को भी उसी टाइप से कर देंगे। और ये वाला रिप्ले मोड तो पहले ही आ गया था 10 महीने पहले ही, अगर तुम लोग को पता होगा तो, उसी वाला रिप्ले मोड का तरह ये सिनेमेटिक्स वाला स्टिक भी काम करता है। एनीवेज, पूरा हो जाने के बाद तुम लोगों को इधर स्टार्ट कैमरा के ऊपर क्लिक करना है, जिससे तुम लोगों को 3 सेकंड का टाइमर मिलेगा, एंड फिर तुम्हारा सिनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा इस टाइप से।
सो यार ये वाला रिप्ले मोड में इतना ही था, एंड इस वाले रिप्ले मोड में भी तुम लोग अपना स्किन उसी टाइप से ऐड कर सकते हो जैसे पिछले वाले रिप्ले मोड में ऐड किया था। तो इसी के लिए मैं फालतू में बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। ओके तो अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले रिप्ले पे। तो थर्ड वाला रिप्ले कोई रिप्ले मोड नहीं है, वो तुम लोग अपने ऑफिशियल माइनक्राफ्ट में बना सकते हो किसी भी वर्जन में, और उस रिप्ले को बनाने मैंने इस वाले वीडियो में एकदम डिटेल में बताया है। तो तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर तुम लोगों को स्क्रीन पे वीडियो आ रहा होगा, जाकर देख लेना। या फिर ये दोनों रिप्ले मोड तो मस्त है, इसको यूज करके तुम लोग मस्त मस्त सिनेमेटिक्स एंड रिप्लेस बना सकते हो, उसका जरूरत नहीं है तुम लोगों को। सो या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट भी कर देना एक।